नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत हो रही है और पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच से जुड़ी और इस पूरी सीरीज से जुड़ी हर वीडियो लाइव अपडेट के साथ हम समय समय पर अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को लाइक और कमेंट करना हर वीडियो पर बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि आज के मैच में टॉस जीतकर अजिंक्य रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और आज का पिच ऐसा है कि इसमें टॉस जीतकर भारत ने अपना एडवांटेज ले लिया है, क्योंकि चौथी पारी में इस पर बल्लेबाजी करना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि यहां पर काफ़ी रफ बन जाएंगे और स्पिनर उसका जमकर फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए टीम इंडिया ने इस मैच में 3 स्पिनर खिलाए हैं। आपको बता दें कि प्लेइंग 11 जो होगी आज में मैच में वो इस प्रकार है। भारत की तरफ से ओपनर होंगे मयंक अग्रवाल और सोमान गिल, तीसरे नंबर पर खेलेंगे चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर जो कि आज के मैच में अपना डेब्यू भी कर रहे हैं, पांचवें नंबर पर खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आएंगे, छठे नंबर पर रिद्धिमान शाह और सातवें पर रविंद्र जडेजा, आठवें पर अक्षर पटेल, नवें पर अश्विन तो दसवें पर ईशान शर्मा, वहीं 11वें नंबर पर टीम इंडिया की तरफ से उमेश यादव को चांस दिया गया है। भारतीय टीम इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पर जमकर सवाल उठ रहे हैं और अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर से कप्तानी साबित करने का ये मौका मिला है, क्योंकि रोहित शर्मा अब T20 कप्तान बन चुके हैं और टेस्ट में भी उनका नंबर विराट कोहली के बाद ही है। लेकिन अजिंक्य रहाणे की फॉर्म अगर ठीक रहती है तो शायद अजिंक्य रहाणे ही कप्तान रहेंगे। आपके हिसाब से आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम टक्कर दे पाएगी या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है, उनके पास भी बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन स्पिनर हैं। आपके हिसाब से भारतीय टीम आज के मैच को जीत पाएगी या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में भी राय दें। और हाँ, अगर आपको भी इन दोनों ये मैच पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत टीमें हैं।